श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर के बहुत बड़ कृपा बा कि हमनी के ये भगवान के पावन कथा सुनावे के अवसर मिलल बा, हेलो के गावे के अवसर मिलल बा, और परम सौभाग्यशाली रवा लोगिन बानी कि सुने के अवसर मिलता। न तो एक कलयुग में कहां केकरा लगे समय बा, और कहां केकरा लगे वो भाव बा कि भगवान के कथा सुनो। एक टाइम पर एक समय में इतना चैनल बा, सब जगह कुछ ना कुछ चल रहा बा, और वे लोग इन बानी की कथा में बैठल बनी। ये सब संस्कार के खेल है, रोवलुक के जन्म जन्म के पुण्य है, जोना से ये सौभाग्य के लाभ ले रहा बने। काल के कथा में चर्चा भइल, भक्ति के बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म चीज बतावल गई, आगे भी भक्ति के बहुत चीज बतावल जाए। मूल चर्चा होत रहे कि भगवान त्रिवेणी के संगम पर पहुंचल बनी, भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, और त्रिवेणी के तीन अर्थ बतावल गई, भक्ति कर्म और ज्ञान, अर्थात गंगा यमुना सरस्वती। भक्ति गंगा जी है, कर्म यमुना जी है, और सरस्वती सरस्वती मैया ज्ञान है। भक्ति के चर्चा भइल, गंगा जी के चर्चा भइल, यह मान लिया। अब कर्म के चर्चा शुरू हो रहल बा, बुझली की यमुना जी के चर्चा हो रहल बा। कर्म भी योग बन जाला। जब कर्म परमात्मा से मिलावे के कारक बन जाओ, कर्म करते करते ईश्वर प्राप्ति हो जाओ, वही कर्म के कर्म योग कहाला, कर्म योग कहाला। भगवान कृष्ण गीता में कहनी, योगस योगः कर्मसु कौशलम। योग का हो पहले हूं बतावल गल कि योग के मतलब है जीव ब्रह्म के मिलन, भक्त भगवान के मिलन, आत्मा परमात्मा के मिलन। भगवान कृष्ण यहां कह रहल बनी कि योग अर्थात योग कर्म की कुशलता है, कुशल कर्म के नाम योग है। कुशल कर्म का होला, कर्म यदि कर्म खातिर कइल जाओ, और कर्म अपना कर्म के परिणाम भी वैसे ही लेके आ जाओ, तो समझ लेवे के चाहे कि कर्म कुशल भइल बा। जब कर्म खूब कइल जाओ और परिणाम वैसे ना निकलो, सफलता उतना ना मिलो, तो समझ लेवे के चाहे कि कर्म के कुशलता में कुछ कमी रह गई बा। समस्या ये बा कि आज आदमी कर्म के कुशलता पर ध्यान नहीं के देत, कर्म के परिणाम पर ध्यान दे ले रहा था। कि मेहनत तो बहुत कर ले रही है, सफलता ना मिलल हा, सफलता तो कदम चुमे खातिर खड़ा बिया, कुशल कर्म के इंतजार बा, कर्म कुशल नहीं के हो पावत। जोग बन जाई हमने के कर्म, इस संसार में केहू बिना कर्म कैले नहीं के रह सकत। तो बड़ा सरल उपाय है भगवत प्राप्ति के कर्म योग। केहू ऐसा प्राणी संसार में नहीं खे जोन बिना कर्म कैले रह ले। पानी पिए के पड़ी, खाना खाए के पड़ी, यहां तक बुझली कि सूते के पड़ी, यो एगो कर्मे है। जागे के पड़ी, यो एगो कर्मे है। नहाए के पड़ी, यो एगो कर्मे है। खाए के पड़ी, यो एगो कर्मे है। और यहू से बड़ बुझली के सांस लेवे के पड़ी, यो एगो कर्मे है। बिना कर्म कैले आदमी संसार में जी नहीं सकत। खाली फर्क ई बा कि जोन कर्म स्वतः सहज भाव से हो रहल बा वो कर्म, आ चाहे हमनी जानबूझ के जोन कर्म कर रहल बानी वो कर्म, दोनों कर्म के भाव बदल दियाओ, दृष्टि बदल दियाओ तो परिणाम बदल जाए। दृष्टि बदल दियाओ तो परिणाम बदल जाए, वकर फल बदल जाए। यह कर्मयोग के रहस्य। भगवान कृष्ण कहतनी कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करा बकर ओकरा फल के चिंता मत करा। अब ये श्लोक के अर्थ अलग अलग लोग लगा लेवेला। लोग सोचेला कि भगवान कहतन कि कर्म करा फल के ध्याने मत दतो,
वहां का कहतनी कि फल के चिंता मत करो, फल के देखा जरूर भाई, हरी कर्म कल जाए तो फल मिली, फल सामने ना रही तो योजना कैसे बनी काम के, लेकिन फल के चिंता मत करो, अपना कर्म पर ठीक से ध्यान दो तो फल मिल जाए, अना तो फल मिल जाए गाछ पर चढ़े से पहले सोचतन की फलवा मिली कि ना मिली, और चढ़े तब न मिली, औधे पर चढ़ल बनी कहतनी फल आके मुंह में गिरी, चहुप जाई धली हाथ में लेके उतर जाई फल मिल जाए। ठीक वैसे ही कोनो कर्म के साथे होला, तो कर्म योग के रहस्य है कि संसार में बिना कर्म के लिए केहू नहीं के रह सकत, तो जौन हम कर्म कर रहल बानी, हमने जिए खातिर जौन कर्म हमने के करक पड़ता, वो सब कर्म यदि परिणाम के ध्यान देले बिना ईश्वर के चरण में परिणाम सौंप दियाओ और अपना मेहनत भर कर्तव्य के पालन कर जाओ तो परिणाम सफल आ जाए। अपना मेहनत भर कुशल कर्म करके कर्तव्य के पालन कर जाओ तो परिणाम कुशल आ जाए, सफलता मिल जाए और कोनो तनाव भी ना रही, कोनो दुख भी ना रही। अब एक करके समझ ली थोड़ा कुछ उदाहरण से कि एक बार स्वामी राम तीर्थ जात रही तो वहां के को शिष्य पूछलक कि बाबा कर्म योग का हमरा के बताए, कि भक्ति के तो बड़ा ज्ञान मिलल लेकिन कर्म योग का है इतनी बता दी। तो राम तीर्थ एक जगह लेके गईनी चेला लोग के जहां एगो मंदिर बनत रहे, एगो मजदूर से पूछने की हो भाई का करता रहा, तो मजदूर का आंख फूट गई बका, कैसन बाबा बड़ा लौकत नहीं है कि मजदूरी करता नहीं, भगवान पेट दे दिले बाड़े तो भरे के पड़ेला, कुछ काम करे के पड़ता। राम तीर्थ मुस्कुरैनी, फिर दूसरा मजदूर से पूछने की हो का करता रहा, तो मजदूर बड़ा प्रेम से कहला कि बाबा भगवान के मंदिर बनता सेवा के अवसर मिलल बा, यही में दो पैसा हमरो घर खातिर मिल जाई, घर परिवार चल जाई। स्वामी राम तीर्थ अपना शिष्य लोग से कहनी कि दोनों के दृष्टि में कितना फर्क बा देखला, दोनों आदमी काम उतने करता लो और दोनों आदमी के पैसवा उतने मिली, लेकिन दोनों के कर्म के सोच के प्रभाव से परिणाम बदल जाए। एक आदमी मजदूरी भर मिली और एक आदमी के भगवान मिल जाए, एक आदमी के कर्म योग बन जाए खाली दृष्टि के बला से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। स्वामी राम तीर्थ के प्रसंग चलत रहा था कि कर्म एक ही आदमी कर रहल बा एक जैसन, लेकिन परिणाम फल होकर अलग अलग आदमी के भाव और दृष्टिकोण के हिसाब से ओकरा मिल जाला। कोना भाव से कौन कर्म कल जाता का कल जाता ये महत्वपूर्ण बा, लेकिन वो कर्म कोना भाव से कल जाता वो हिसाब से परिणाम मिलेगा। एक बार के घटना है, एगो महात्मा जी साधु बाबा तपस्या करत रही जंगल में, कठिन तपस्या चले लागल, बड़ा घनघोर बन रहे, जंगली जानवर रहसन जंगल में, बकिर हिम्मत करके बाबा वहां तपस्या में लागल रही। एक दिन जोना पेड़ के नीचे, जोना गाछ का नीचे बाबा ध्यान भजन करी, ऊपर एगो चिड़िया गौरैया खोता लगैले रहे और खोता में से कुछ खड़ पात गिर गई बाबा के जटा पर, खिसिया के बाबा ऊपर देखनी आ इतना क्रोधित भयनी कि वो चिड़ई जर के भस्म हो गई। ये देख के बाबा का विश्वास हो गई कि हमरा तो सिद्धि मिल गई बाबू, अब तो हम केहू के देखे तो जर के भस्म हो जाई, हमरा भीतर इतना ताकत आ गई बा। वहां का भिक्षा मांगे गईनी, अगला दिन गांव में भिक्षाम देही आवाज लगैनी, भीतर से आवाज आइल कि बाबा तनी देर रही हम आ रहल बनी लेके। एक घंटा तक बाबा इंतजार कैनी, एक घंटा के बाद वो घर के मालकिन अली अनाज उनाज लेके तनी भिक्षा देवे, तो बाबा एकदम खिसिया गई कि तहरा मालूम नहीं थे कि हम कौन बाबा हैं, जानत रू हम कोनो साधारण बाबा हैं, एक घंटा हमरा के खड़ा कर दिलू दरवाजा पर, होश में रहिया। अब वो
गृहिणी ये रली वहा उकतरी की बाबा रुआ कितना बड़ बाबा बनी हम जानते नहीं। बकरिये को बात ख्याल रखी कि यहाँ कोनो गौरैया नहीं खे, जरुआ देखला से भस्म हो जाई। अब इतना कहक रहे कि बाबा तो घबरा गई नहीं कि हम तो गौरैये के भस्म कनी एकरा पता कैसे चल गई है, एकरा ये दिव्य दृष्टि कैसे मिलल है कि एकरा मालूम बा कि हम गौरैया भस्म कैले रहनी। बाबा कहे लगनी कि देवी रउआ बताई कौना भगवान के पूजा करेनी, कौना देवता के उपासना करेनी, कौन गुरु जी हैं राउर और कौन मंत्र के जप करेनी, इतना बड़ा शक्ति दिव्य दृष्टि रउआ मिलल बा। तो बाबा के हाथ धके वो मेहरारू लेके गई अपना आंगन में, देखेलक बूढ़ सास ससुर पड़ रहे लो खटिया पर, अपाहिज पति ओहिजा पड़ रहे, और वो कहलक कि बाबा हम कोनो पूजा पाठ ना करेंगे, हमरा ना वेला, हम तो देख गांव के गंवार हैं, बस ये हमारे भगवान हो लोग यही लोग की सेवा कर लो नहीं, ये हमारे पूजा और यही पूजा में हम लागर रहनी है, ये बूढ़ सास ससुर के खियावत रहनी है, आधे में खाना छोड़ के कैसे रहुआ के भिक्षा देवे जाती है। ये कर्म योग है कि जब कर्म भाव से कर्तव्य खातिर कई जला तो वो कर फल आवेला, और हमने आज कर्म करता नहीं तो कर्म खातिर कर्म कहाँ होता, खातिर खाली परिणाम फल चाहिए, और आधा समय सोचा ही में चल जाता कि कैसे मिली। कैला से होला, खाली सोचला से ना होला, आ यहाँ करे से पहले तो फल का मिली और में फंस जाता लोग, अजुरा जाता लोग। फल के ध्यान में राखल जाओ, योजना बनावल जाओ, बाकी कर्म कैल जाओ, तो समर्पित भाव से कर्तव्य भावना से कैल कर्म जोग बन जाला, और यह जमुना जी है। और तीसर जो बतावल गई सरस्वती मैया के बारे में कि ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग का है कुछो करत करत ज्ञान के प्राप्ति हो जाओ। अब कुछो करत करत कैसे, कुछो करत करत ऐसे कहा था कि कोनो फिक्स नहीं के कि हे करब तो ज्ञान प्राप्त हो जाई रहुआ। जन्म जन्म से तपस्या आदमी करिए रहल बा, और भगवान सब केहू से बराबर प्रेम करे नहीं, जे तपस्या करता ओकरो से, जे नहीं के करत ओकरो से, सब जीव तो भगवाने के बच्चा हलो। ई बा कि जे तपस्या करता वो गाड़ी पर तपस्या के सवार बा जल्दी चहुप जाई, अजय तपस्या नहीं कर तू पैदल बटनी टाइम लागी, बकर वो पहुंच जाई है। तो कुछ वो करत करत मतलब हृदय पवित्र करे के कौनो उपाय, जैसे ही हृदय पवित्र हुई भीतर के प्रकाश प्रकट हो जाए, भीतर के ज्ञान प्रकट हो जाए। कहे कि आत्मा तो स्वतः ज्ञान रूप बा, और हमने ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन कुछ मल विक्षेप से, कुछ गंदगी से, संसार के माया के आवरण के कारण आपन स्वरूप के ही दर्शन ना हो सकेला, एकरे के अज्ञान कहल जाला। और जब आपन स्वरूप के दर्शन कर लियाला तो ओकरे के ज्ञान कहल जाला। लोग सोचेला कि दस गो किताब पढ़ लियाओ तो एकरा के ज्ञानी कहल जाए, लोग सोचेला कोनो विषय में बहुत सारा जानकारी हो जाओ तो ओकरा के ज्ञानी कहल जाए, माया में माया बढ़ेला के ज्ञान ना कहल जाला। लाइब्रेरी पढ़ ली, रट ली, याद करी, ज्ञान ना है, ये जानकारी है। तो ज्ञान का है ये संसार के मोह बंधन से, भ्रम से निकाल के जे परम तत्व से अनुभूति करा देवे ओकरा के ज्ञान कहल जाला। यही से संत लोग कहला कि ये तो खेती है संसार, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए, काटे के सब केहू के बा, लेकिन ज्ञानी ज्ञान से काटे ले मूर्ख रोत रहे लालो। ज्ञानियों का ही संसार काटे के बा, अज्ञानियों का काटे के बा, लेकिन ज्ञानी ज्ञान के विवेक में काट ले वेले मूर्ख लोग रोत रहेला। श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञान के मतलब है संसार के समस्त भ्रम से निकाल के परम प्रकाश की अवस्था में पहुंचावल। जोन गंदगी बा, जोन आवरण बा, सब छट जाए और जीव अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाए, एकरे के ज्ञान योग कहाला। मूल स्वरूप में ये वेदांत था। वेदांत मतलब वेद के अंतिम भाग, जो नामे ये लिखल बा
कि ईश्वर के अंश है जीव और ओकर पूरा प्रयत्न अपने मूल स्वरूप के प्राप्त करे के होके के चाहिए। जैसे संत कबीर लिखनी, हेरत हेरत हे सखी कबीरा गया हेराए, बोंद समानी समद में अब कत हेरी जाए। कहले कि हे सखी, हमरा के लोग अलग की भगवान के खोजा, भगवत प्राप्ति हुई तो आनंद मिली। जब हम खोजे लगनी भगवान के, वही तरह से जैसे वो बूंद से के अलग कि समुद्र तहरे जैसन होला, जौन तत्व तहरा भीतर बा पानी के, जो ना अवयव से तू बनल बड़ा, वही से वो समुद्र भी बनल बा, लेकिन समुद्र बड़ा विराट बा। हम नजदीक जाए लगनी, बूंद कहतिया कि हम नजदीक जाए लगनी, जात जात जब दर्शन भइल समुद्र के, तो उतना बड़ा विराट रूप के देख के हम कांपे लगनी कि बाप रे बाप, ये हमार रूप है, इतना बड़ा समुद्र है, में हम ही बानी। तो कहलक लोग इतनी नजदीक जा, नजदीक जाए लगनी तो विराट रूप के देख के घबराहट भई, लेकिन जैसे नजदीक पहुंचनी, सटते सटते जब एकदम सट गईनी तो अपन अस्तित्व समाप्त हो गई और हम खुद समुद्र हो गए। वही बात के संत कबीर कहतनी कि हे रत हे रत हे सखी कबीरा गया हेराए, बूंद समानी समद में अबकत हेरी जाए। कि हम जब चलनी परमात्मा के ढूंढे, आनंद के खोजे, और खोजत खोजत हम स्वयं परमात्मा हो गई नी, हम स्वयं ईश्वर हो गई नी। अब ईश्वर जीव में भेद नहीं खे, ये जो न भेद से अभेद की ओर जाए के यात्रा बा, एकरे के ज्ञान योग कहल जाला। उपनिषद में वर्णन आवेला कि एगो पेड़ पर दूगो पक्षी बैठल रहे, लो दूगो चिड़ई बैठल रहे बड़ बड़। तो एगो चिड़ैया दूर वाला चिड़ई के देख के ओकरा मन में बड़ा खुशी भइल, क्यों इतना सुंदर चिड़ई तो हम सृष्टि में देखबे ना कहीं, कि एगो हम बानी कुरूप है, मल विक्षेप आवरण सब तरह से भरल बानी, एगो वो सामने वाला चिड़ई इतना सुंदर। तो धीरे धीरे मन में भइल कि वो चिड़ैया के लगे पहुंची, और धीरे धीरे वो घुसके लागल चिड़ई, और जात जात जब वहां चौपता चिड़ई के लगे, तो पता चल कि वहां दूसर कोनो चिड़ई ना रहला, वो अपने स्वरूप रहला, हम ही रनी है, हमरे प्रतिबिंब वहां लौकत रहला। यह संसार में आनंद स्वरूप परमात्मा के तलाश में हमने भटकत नहीं, जब वहां आनंद तक पहुंचे तो पता चली कि आत्म स्वरूप रहला। हमने से आत्म स्वरूप से अलग कोई परमात्मा नहीं खे। आध्यात्मिक यात्रा के मतलब यह होला कि स्व से स्व तक की यात्रा, अपने आप तक पहुंचे की यात्रा, यह ज्ञान योग है। जब ये बात समझ में आ जाला तो भगवान के माया के विस्तार भी समझ में आ जाला, और जीव चाहे जोगी माया के भ्रम में ना फंसेला। इमे स्मरण करे के पड़ेला, एक तरीका ज्ञानियों की बा कि रोज अभ्यास कम से कम इतना कर जाओ, अपना विचार के देखल जाओ, अपने शरीर के देखल जाओ। पहले तो ये देखल जाओ कि शरीरवा इमे से हाथ काट दिया तब हूं जियता, तो हम ही हाथवा रनी है, हाथ रनी हम, हाथ तो कट गई, बाचल बा तोन हम है। अब यहां से काट दी तनी एक टुकी तब हूं हम बाचल बनी, काटत काटत सब काट दे तनी, सब कटला का बाद भी बाचले रह जाता। तो अपना अभ्यास ही करे के चाहिए, ये ध्यान रखे के चाहिए कि जब रात्रि के हमनी सूत जानी, दिन भर तक काम हमनी करतनी, बोलतनी हम, खातनी हम, सांस लेतनी हम, ऐसन बुझाला, तो जब सूत जानी तो सपना के देखता, जब हमनी सूत जानी तो इस सपनवा के देख लक, हम तो सूत गई रहनी है, आ हम कहतनी कि हम एगो सपना देखनी है। अरे जब हम सूतले रहनी है तो हम कैसे सपना देखनी है, केहू रला जोन सपना देखत रला, और जे रला वो हमरा से एकाकार बा, हमरे स्वरूप बा, यही से हमरा यह भास बा कि हम सपना देखनी। यह बात ध्यान रखे के चाहिए कि जब हम सूत गनी तो दिल के धड़कन के धड़का होता, ये सांस कैसे चल रहा बा जब हम ही चलावे नहीं। तो ईश्वर आत्म स्वरूप में जीव के अंदर, शरीर के अंदर रहेला, और अपना स्वरूप के समझ लेवल
एकर अभ्यास ऐसे करे के चाहिए कि हम ई शरीर ना है, कहे कि शरीर बदलत रहेला, कभी बच्चा कभी जवान कभी बूढ़ा कभी खत्म। तो जब ई शरीर ना रहे तब भी हम निरनी, जब शरीर बात तबहु हम निबानी, और जब ना रही तबहु हम निरहे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुह्यति। तो अपना आत्म स्वरूप के समझल, यदि समझ ली कोई तो सब अज्ञान मिट जाई, संसार के दुख मिट जाई। अज्ञानता ही दुख और ज्ञान ही आनंद है। आई आज की कथा ही जा विराम ली, भगवान नाम के कीर्तन कुछ देर साथ में कर जाओ। सीताराम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो राजा राम कहो राजा राम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो सीता राम कहो राजा राम कहो सीता राम कहो राजा राम कहो सीता राम कहो राजा राम कहो।